दोस्तों इंग्लिश से जुड़े कुछ वर्ड जो इस प्रकार हैं, आई वॉन्ट टू स्लीप, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है मैं सोना चाहता हूँ। दोस्तों जब आप अपने जॉब से थक हार जाते हैं तो दोस्तों आप चाहते हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो दोस्तों वहाँ हम आई वॉन्ट टू स्लीप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डो नॉट बाइट, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है मत काटो। दोस्तों कुछ ऐसे खाने के सामान होते हैं जैसे आप सोचते हैं कि सुबह में खाया जाएगा, तो दोस्तों वहाँ अपने बच्चों को कहते हैं कि डो नॉट बाइट। दोस्तों नेक्स्ट है इम्प्रूव योर इंग्लिश, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है अपनी अंग्रेजी सुधारो। दोस्तों जब भी ऐसा होता है कि जब अधिकांश बुक होता है वो इंग्लिश में ही होता है, जिससे आप अपने अंग्रेजी को सुधार को उस बुक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है थिंक इट थ्रो, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है अच्छी तरह सोच लो। दोस्तों आपके जो फ्रेंड होते हैं वो पहले बोलते हैं कि अच्छी तरह सोच लो इस काम के बाद क्या हो सकता है, दोस्तों वहाँ हम थिंक इट थ्रो का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कम विथ अस, दोस्तों कम विथ अस का हिंदी मतलब होता है हमारे साथ आओ। दोस्तों आपके जो भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर हो आपको कुछ दिखाना चाहता है तो दोस्तों वहाँ कहता है कि कम विथ अस हमारे साथ आओ कुछ दिखाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है व्हाट शुड आई डू, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों जब भी आपसे कुछ गलती काम हो जाता है या दोस्तों आप कुछ समझ नहीं पाता कि मुझे आगे क्या करना होगा, तो दोस्तों आप अपने इंस्पिरेशन या दोस्तों आपके कोई मेंटर होता है तो दोस्तों आप उससे पूछते हैं या आपके गार्जियन होता है उससे पूछते हैं कि आप मुझे क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आप उनसे राय ले रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो दोस्तों वहाँ हम व्हाट शुड आई डू का यूज करते हैं।